देखिए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सकुशल संपन्न कराने हेतु लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं। जहां जहां पर भी त्योहारों का आयोजन होना है, वहां का स्थलीय निरीक्षण अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। जो भी शोभा यात्राएं और जुलूस इत्यादि के मार्ग हैं, उसको भी अधिकारियों द्वारा स्वयं आयोजकों के साथ जाकर के देखा जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना या किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो भी हमारे दंगा नियंत्रण उपकरण हैं, उनकी समीक्षा कर ली गई है, उनका निरीक्षण कर लिया गया है। आज इसी क्रम में जनपदीय पुलिस लाइन में एक रायट ड्रिल का, एंटी रायट ड्रिल का एक अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें सभी थानों के पुलिसकर्मी, जिनके द्वारा जरूरत पड़ने पर इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको पुलिस लाइन में बुलाकर उनके जो उपकरण है, उनके निरीक्षण के साथ साथ कैसे उसको इस्तेमाल करना है, वो हमारे जो पुलिस लाइन के कर्मी है, उनके द्वारा उनको बताया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, और कैसे भीड़ को कंट्रोल करना है, इस सारी ड्रिल की रिहर्सल आज जो पुलिस लाइन में हो रही है। विशेष रूप से इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार जन सामान्य के साथ संपर्क का कार्यक्रम भी चल रहा है। मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि जैसे विगत दिनों में जितने भी धार्मिक व बाकी त्योहार हुए हैं, उसमें जनता का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, शांतिपूर्वक ढंग से सभी आयोजन हुए हैं। आने वाले सभी त्योहार भी इसी तरह से जनता के सहयोग से बड़े ही सकुशल ढंग से संपन्न होंगे, और शांति का माहौल जो जनपद गोरखपुर में लगातार बना हुआ है, वो आगे भी बना रहेगा।